जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में बताया था कि हस्तमैथुन के कितने बड़े नुकसान होते हैं, इसलिए आज की वीडियो में उसी आदत को छोड़ने के बारे में सबसे अच्छे तरीके बताऊंगी। वीडियो का लास्ट तक पूरा देखें। पहला तरीका है, रोजाना सुबह जल्दी उठिए और शाम को जल्दी सो जाया करो। सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाया करो, जिससे कामवासना कुछ ही दिनों में भाग जाती है। दूसरा तरीका है, आजकल इंस्टाग्राम सभी चलाते हैं, उसमें लड़कियों का बहुत ज्यादा खुला सिन दिखाया जाता है, जिससे आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसलिए उन्हें देखना बंद करें और मोटिवेशन और हेल्थी फोटो रोजाना पड़े। अगला तरीका है, जब भी आपको हस्तमैथुन करने का मन करे तो आप ज्यादा से ज्यादा ठंडा पानी पिए और अपने आप को डीजे वाले म्यूजिक से कनेक्ट करें। इससे आपका हस्तमैथुन वाला दिमाग कुछ ही मिनटों में डाइवर्ट हो जाएगा। अगला तरीका है, अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखे, चाहे पढ़ाई में रखो या किसी और शारीरिक काम में। इससे आपको कुछ ही दिन में हस्तमैथुन से बिगड़े दिमाग को सुधारने में मदद मिलेगी। अगला तरीका है, अपने आप को अकेला मत रखे और रात को अकेले कमरे में लाइट बंद करके मत सोया करो। ऐसा करने से और ज्यादा हिलाने का आपको मन करेगा। अगला तरीका है, प्यार मोहब्बत में ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाए, उनके साथ घूमे ताकि आप हमेशा पॉजिटिव रहे। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने के लिए अपने आप को कुछ दिन धर्म से जोड़े, जैसे व्रत रखना, उपवास या कोई महाभारत देखे। साथ ही ये भी बता दूं आपको कि इस गंदी आदत के बारे में महाभारत में भी बताया गया है, आप वहां भी देख सकते हो। इसकी भरपाई के लिए आपको रोजाना जितनी हो सके लगभग 3 महीने तक सब्जियां खाए और साथ में अश्वगंधा का इस्तेमाल सुबह शाम करे। इस आदत की भरपाई के लिए केवल आयुर्वेदिक दवाई ही सही मानी जाती है। आयुर्वेदिक में सबसे अच्छी अश्वगंधा जो मैंने बता दिया है। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ने के लिए आप बस इन तरीकों को लगातार 45 दिन फॉलो करें और 45 दिन तक हिलाना नहीं है, उसके बाद आपका बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।